सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को हॉलीवुड मूवीज और सीरीज की लेटेस्ट अपडेट और हिंदी डबिंग न्यूज के लिए, और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। तो गाइज, आज हम इस वीडियो के जरिए उन हॉलीवुड मूवीज और सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको फरवरी के महीने में यानी अगले महीने हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कुछ मूवीज और सीरीज के बारे में बात की थी, लेकिन आज मैं आपको कंप्लीट लिस्ट बताने वाला हूँ जो अभी तक हिंदी डब में कंफर्म हो गई है उन मूवीज और सीरीज के बारे में जो आपको अगले महीने हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए। तो फरवरी 1 को आपको नेटफ्लिक्स पर नेटफ्लिक्स की सुपर हीरो सीरीज रेजी डियोन की सीजन 2 हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगले दिन यानी 2 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर आपको डार्क डिजायर की सीजन 2 हिंदी और इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसी दिन आपको द मैट्रिक्स मूवी सीरीज की पार्ट 4 हिंदी तमिल तेलुगु डब लैंग्वेज के साथ बुक माई शो के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको नेटफ्लिक्स पर 2 फरवरी को ही देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री मूवी द टिंडरल स्विंडरल। ये आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। और इसके बाद 3 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी किट कॉस्मिस की सीजन 3 जो आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद अगले दिन यानी 4 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा मूवी रिलीज होगी जिसका नाम है थ्रू माई विंडो, जो आपको नेटफ्लिक्स इंडिया पे हिंदी और स्पेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ देखने को मिलेगी। और इसी दिन आपको बुक माई शो के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे एक एक्शन थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम है डेंजरस, जो आपको हिंदी तमिल तेलुगु डब लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको 9 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर डिसएंचेंटमेंट सीरीज की पार्ट 4 हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसी दिन आपको जर्मन की हॉरर फिल्म द प्रिविलेज हिंदी जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर एनी द फिल्म देखने को मिलेगी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसके बाद आपको 11 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर इन्वेंटिंग एना की सीजन 1 हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको डेथ ऑन द नाइल मूवी देखने को मिलेगी आपके नज़दीकी थिएटर में हिंदी तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। और इसके बाद आपको नेटफ्लिक्स पर इसी दिन टेल गर्ल की पार्ट 2 हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसी दिन आपको नेटफ्लिक्स पर नेटफ्लिक्स कोरिया की रोमांटिक ड्रामा मूवी लव एंड लीसेस देखने को मिलेगी हिंदी इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज में। और इसके बाद आपको 15 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिडल जोनर्स की सीजन 3 हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसी दिन आपको नेटफ्लिक्स पर स्पेनिश की ड्रामा सीरीज सीक्रेट्स ऑफ समर की सीजन 1 हिंदी स्पेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको 17 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर एक फैंटेसी शॉर्ट मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम है इरेक्स, जो आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसी दिन आपको नेटफ्लिक्स पर एक और शॉर्ट मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम है हार्ट शॉट, जो आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसी दिन आपको नेटफ्लिक्स पर हु असैसिन्स की फीचर मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम है फिस्टफुल ऑफ वेंगेंस, जो आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके बाद आपको 18 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर स्पेस फोर्ट की सीजन 2 हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको इसी दिन आपको नेटफ्लिक्स पर एक एनिमेटेड मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम है रैबिट्स इन्वेजन्स मिशन टू मार्स, जो आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको इसी दिन नेटफ्लिक्स पर एक हॉरर स्लैशर मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम है टेक्सास चेंसॉ मसाकर, जो आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसी दिन आपको नेटफ्लिक्स पर एक एनिमेटेड सीरीज देखने को मिलेगी जिसका नाम है द कपेट शो। और इसके बाद आपको 25 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर जुनवाइल जस्टिस की सीजन 1 हिंदी कोरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इसी दिन आपको नेटफ्लिक्स पर वाइकिंग सीरीज की स्पिन ऑफ सीरीज वाइकिंग्स वलहल्ला की सीजन 1 हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो यही मूवीज़ और सीरीज है जो आपको हिंदी डब लैंग्वेज में फरवरी के महीने में नेटफ्लिक्स और अदर प्लेटफार्म पर देखने को मिलेगी। तो अगर इन फ्यूचर अदर मूवीज़ की भी अपडेट आती है यानी हिंदी डब की, तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, अगर आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।